हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज किचन। मैं हूं मीना। आज की हमारी रेसिपी डिलीशियस एंड काफ़ी फेमस रेसिपी है, जो है चिकन दम बिरयानी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, काफ़ी डिलीशियस, टेस्टी एंड अरोमेटिक बिरयानी रेसिपी है। प्लीज़ आप डिश को ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी सारी टिप्स आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। 100% हिट रेसिपी है, तो अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है पुदीना, 1 कप जितना पुदीना है, और आपको लेना है 4 कप धनिया पत्ता। धनिया पत्ता आपको ज़्यादा लेना है फ्रेंड्स। और ऑनियन मैंने यहाँ पे 11 ऑनियन लिया है, 1 टोमेटो, 200 ग्राम जितना आपको लहसुन लेना है, 150 ग्राम ग्रीन चिल्ली, 150 ग्राम जिंजर, और गरम मसाले में आपको एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 4 लवंग, 4 ग्रीन हरी इलायची और 1 काली इलायची, और 3 से 4 पत्ते आपको तेज पत्ते लेना है। 1/4 टीस्पून जितना आपको केसर लेना है। घी लगेंगे आपको 3 से 4 टेबलस्पून जितना। और बिरयानी मसाले के लिए आपको लेना है 1 टीस्पून जितना सौंफ, 5 लौंग, 2 इंच जितने दालचीनी, 4 से 5 तेज पत्ते, और आपको 1 टेबलस्पून जितना हल्दी लेना है। मैंने यहाँ पे 3 कप जितना बासमती राइस लिया है। जहाँ तक हो सके आपको पुराने बासमती राइस ही लेना है। 1 kg चिकन। देखिए, मैंने 6 ऑनियन जो है उसको स्लाइस कर लिया है, और फ्राई करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनियन को कैसे आपको स्लाइस करना है। जो बिरयानी के ऊपर जो हम स्लाइस ऑनियन डालते हैं, अभी उसको कैसे कट करना है आपको मैं बता रही हूँ। आपको एक ही साइज का उसे कट करना है, जिससे कि वो एक समान फ्राई हो सके। देखिए, इस तरह से आपको सेम स्लाइसेस कट करना है। जितना हो सके उतना थिन स्लाइस कट कीजिए, और इसको आपको सेपरेट कर लेना है इस तरह से। फर्स्ट हम लोग ऑनियन कैसे फ्राई करते हैं वो आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। तो आपको इसी तरह से 11 ऑनियन टोटल मैंने इस रेसिपी में लिया था, जिसमें से 5 ऑनियन मैंने फ्राइंग के लिए रखा है। आपको कढ़ाई में तेल ले लेना है। देखिए, आपको काफ़ी तेल लगेगा। और दूसरी तरफ मैंने बासमती राइस को धोकर 20 मिनट इसे पानी में भिगो दिया है। 20 मिनट के लिए, 20 मिनट से आधे घंटे ही आपको भिगोना है, ज़्यादा नहीं। हाई फ्लेम में ऑनियन जब तेल गर्म हो जाएगा तो आपको ऑनियन को डाल लेना है। फ्लेम स्टार्टिंग में हाई रखिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, एक साथ आपको ऑनियन इसमें नहीं डालना है। देखिए, कलर जैसी चेंज हो जाए आपको फ्लेम लो कर लेना है। हाई फ्लेम में पहले स्टार्टिंग में रखा था हम लोग ने, तो ये इसे मीडियम कर लेना है आपको, ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। जैसे ही इसे इस तरह के इस कलर आ जाए सुनहरे सा, इसी समय आपको निकाल देना है, क्योंकि उसका कुकिंग प्रोसेस चालू ही रहता है ऑनियन का। इसलिए आप जब अभी ब्लैक होने पर निकालोगे तो काफ़ी ही ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा वो, और कड़वाहट आ जाएगी ऑनियन में। इसके लिए आपको जैसे ही थोड़ा सा कलर आ जाए रेडिश सा, तो आपको तुरंत ही निकाल लेना है। इसी तरह से आपको सभी ऑनियन को फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये है बिरयानी में जो ऑनियन पड़ता है उसे कैसे फ्राई करें, आपको मैंने उसका टिप्स दे दिया है। तुरंत ही अब्जॉर्बेंट पेपर में आपको इसको निकाल लेना है, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा ऑयल वो पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है।
लाइट रेडिश कलर आने पर ही आपको इसको निकाल लेना है। देखिए कलर चेंज हो चुका है, जो ऑनियन है वो उसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है। इसके लिए आपको तुरंत ही रेड होने पर निकाल देना है। काफ़ी अच्छे फ्राई हो चुके हैं ऑनियंस। अभी इसे हमें साइड में रख के दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। 20 मिनट के बाद आपको इस तरह से पानी को छान लेना है चावल से। अभी सिंपल तरीके से बिरयानी राइस कैसे बनाएं इसका टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको छन्नी से पानी को ड्रेन कर लेना है। आज मैं आपको कुकर में बिरयानी राइस कैसे पकाएंगे उसकी टिप्स दे रही हूँ। कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी ले लीजिए और इसमें आपको ऑयल भी ऐड करना है। ये वही ऑयल है जो मैंने ऑनियन फ्राई करते वक्त यूज़ किया था। आपको 3 टेबलस्पून घी लेना है और 3 टीस्पून जितना आपको टेबलस्पून जितना आपको ऑयल लेना है, जिससे कि आपका जो ये ऑयल से आपका जो ऑयल और घी से आपका जो चावल बनेगा वो एकदम खिला खिला बनेगा। सिर्फ आपको घी नहीं यूज़ करना है। अब इसमें आपको लेना है गरम मसाले, 3 तेज पत्ते, 2 इंच जितना आपको दालचीनी, 1 काला इलायची, काली इलायची, और 3 से 4 आपको हरी इलायची, और 4 लौंग इसमें आपको डालना है। जो फ्लेम है उसको एकदम स्लो रख लीजिए। जब आप गरम मसाले डालते हो फ्लेम को स्लो रख लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा सैफरन इसमें अब डाल रही हूँ, 3 से 4 स्टैंड जितना जो सैफरन है आप इस वक्त डाल दीजिए। बाकी का जो सैफरन है हम दूध में मिक्स कर लेंगे बाद में। थोड़ा सा गरम हो जाए गरम मसाला, उसके बाद हमने जो छाना हुआ जो राइस है उसे आपको सावधानी से डालना है। सावधानी से इसलिए कि राइस टूटे नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा भिगोना नहीं है राइस को। 20 मिनट काफ़ी होता है राइस, या तो आप ज़्यादा उसको अगर भिगोगे तो आपका जो राइस है वो टूट जाएगा और आपके राइस जो है खिले खिले नहीं बनेंगे। तो आपको धीमी धीमे से ही आपको मिक्स कर लेना है। देखिए जो बिरयानी राइस है वो काफ़ी ट्रिकी होता है बनाना, तो मैं आपको इजी वे में बनाना दिखा रही हूँ। तो देखिए आप मेजरमेंट देख लीजिए, और मैंने यहाँ पे एक तपीली में गर्म पानी कर लिया था, और आपको पानी इसमें कितना ऐड करना है उसका भी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। देखिए आपको जब पानी ऐड करोगे तो जो 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 चावल के जो सतह है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे जो फिंगर्स है जो मिडल फिंगर के जो बीच की लाइन है उतना आपको पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। मिडल फिंगर के जो लाइन है ऊपर के उतना तक ही आपको पानी ऐड करना है, तो आपका परफेक्ट राइस बनेगा। ये है मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स, तो आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। और आपको नमक डाल लेना है, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना नमक ऐड किया है। नमक ऐड करके आपको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पे आपको मैं बता रही हूँ जिससे आपका जो बिरयानी राइस है वो खिला खिला बनेगा, और वो है नींबू। आपको आधा नींबू इसमें आधा नींबू डालना है इसमें लेमन, जिससे आपका जो राइस है वो एकदम खिला खिला बनेगा। फर्स्ट टिप्स आपको मैंने दिया राइस बनाने के लिए, घी और तेल दोनों डालना है। और सेकेंड टिप्स जो है पानी का मेजरमेंट, और थर्ड टिप्स जो है वो लेमन है। तो आप ध्यान दीजिए इस बातों का और चख लीजिए जो नमक इसमें प्रॉपरली लगना चाहिए। तो आप इसी समय नमक ऐड कर दीजिए, बाद में इसमें ऐड नहीं कर सकते। आपको एक ही विस्क करना है
इसमें अब मसाला देख लेते हैं, जो भी मैंने ग्रीन मसाला बताया आपको, लहसुन, मिर्ची, अदरक, धनिया, पुदीना, सभी को आपको इस तरह से गाढ़ा पीस लेना है। ज़्यादा पानी नहीं आपको ऐड करना है। विसिल हो चुका है तो देख लेते हैं, पूरा विसिल जाने के बाद ही आपको ढक्कन खोलना है। फ्रेंड्स देख लीजिए कितना खिली खिली बना है हमारा चावल जो है वो। देखिए आपको मैं बता रही हूँ, बढ़िया सा एकदम खिला खिला चावल बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे ये टिप्स को। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने वही ऑनियन फ्राई किया हुआ तेल लिया है, मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना ऑयल लिया है, क्योंकि बिरयानी में काफ़ी ऑयल लगता है। जो हमने 6 ऑनियन स्लाइस किए थे उसे मैं भी इसमें ले रही हूँ। टोटल हमने 11 ऑनियन लिया था, 5 ऑनियन हमने फ्राई कर लिए हैं और जो 6 ऑनियन है अब मैं यूज़ कर रही हूँ बिरयानी की ग्रेवी के लिए। देखिए सुनहरे कलर आने तक आपको ऑनियन फ्राई कर लेना है। आप बड़ा बर्तन ले लीजिए ग्रेवी बनाने के लिए और थिक बर्तन ले लीजिए, जिससे कि आपका जो मसाला है वो लगे नहीं, जले नहीं। इसलिए ऑनियन जल्दी से फ्राई हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून जितना इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सिर्फ आपको थोड़ा सा ही 1/4 टीस्पून जितना ही सॉल्ट ऐड करना है, इससे ऑनियन का जो पानी है वो छूटेगा और वो जल्दी फ्राई हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारे टिप्स इसमें आपको बताने वाली हूँ। और थोड़ा सा पुदीना और धनिया मैंने सेपरेट रख लिया था, जिसे हम लोग गार्निशिंग के लिए बाद में लेयरिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ हम जब कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश कलर आ जाएगा ऑनियन का, तो हमने इसमें पिसा हुआ मसाला जिसमें मैंने लिया है लहसुन, अदरक, पुदीना, हरी मिर्च और धनिया, वो आपको इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें डाल लेना है। मसाले में ज़्यादा ग्राइंड करते वक्त मसाले में आपको ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिए, थिक मसाला आपको पीसना है फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से खुशबू आने तक इसे फ्राई कर लीजिए। इसमें आपको 10 से 11 मिनट लग जाएंगे और आपको ऐसे ही स्टर करते हुए आपको इसको मसाले को भून लेना है। आपको मसाला जलने नहीं देना है, क्योंकि जलने पर मसाले का स्वाद और उसकी जो खुशबू है वो चला जाएगा। तो आप इसी तरह से कड़छी को घुमा घुमा के आपको मसाले को फ्राई कर लेना है। जब तक वो मसाला फ्राई हो रहा है, हम जो टोमेटो हमने लिया है उसको खींच कर रख लेते हैं। आप इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, जिससे कि इसका जो छिलका है, उसका जो स्किन है टोमेटो को, वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बीच बीच में आप मसाले को स्टर करते रहिए फ्रेंड्स। देखिए स्किन अलग हो चुका है टमाटर का, आपको भी इस तरह से ग्रेट करके स्किन को अलग कर लेना है टमाटर से। मीडियम फ्लेम में आपको मसाले को भूनना है फ्रेंड्स। जब मसाले का भूनने का भून गया है, आपको कैसे पता चलेगा? एक तो तेल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद जो मसाले का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, काफ़ी खुशबू आएगा, एरोमेटिक लगेगा आपको मसाला, तो उससे आप पहचान जाइए कि मसाला भून चुका है। मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड किया है 1 टेबलस्पून जितना। देखिए फ्रेंड्स मसाले का कलर चेंज हो चुका है और जो ये मसाला है बिरयानी मसाला, ये काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अच्छे बिरयानी का जो राज है वो इसी में छुपा है। आप अच्छी तरह से मसाले को लो मीडियम फ्लेम में आपको आप इसे
कड़छू हिला हिला के भूनते रहिए। भूनने के बाद ही आपको इसमें ग्रेट किया हुआ टोमेटो ऐड करना है। काफ़ी ज़्यादा भी मैंने यहाँ पे तेल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि चिकन में भी जो ऑयल होता है, फैट कंटेंट होता है, उससे काफ़ी एकदम स्टिकी हो जाएगा, काफ़ी ऑयली हो जाएगा जो मसाला है। इसलिए मैंने 1.5 कप जितना ही तेल इसमें यूज़ किया है। देखिए तेल भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि चिकन ऐड करने के बाद उसका जो चिकन का जो फैट है उसका ऑयल भी छूटता है, तो काफ़ी ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है बिरयानी। इसलिए आपको ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। इसके बाद टोमेटो ऐड करने के बाद टोमेटो को 1 मिनट चलाने के बाद आपको इसमें चिकन पीसेस ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से धो लीजिए चिकन को और 1 मिनट तक इसको भूनिए मसाले में। भून लीजिए मसाले को, चिकन को मसाले में अच्छी तरह से भून लीजिए फ्रेंड्स। और आपको जो बर्तन है वो हैवी बॉटम बर्तन लेना चाहिए जब भी आप बिरयानी बनाते हो। मैं यहाँ पे गरम पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा वाटरी नहीं करना है आपको बिरयानी मसाला। मैंने यहाँ पे देखिए 2 ग्लास गरम पानी ऐड किया है। आपको गरम पानी ही ऐड करना है, गरम पानी इसलिए क्योंकि हमने अच्छी तरह से भून लिया है मसाले को। अगर आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर दोगे जो मसाले का फ्लेवर है वो चला जाएगा। तो आपको जब भी ग्रेवी बनाओ गरम पानी ऐड करना है। इसको ढक कर आपको 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। बीच बीच में आप इसे स्टर करते रहिए। तो मैं बना रही हूँ बिरयानी मसाला। यहाँ पे मैं घर का ही बना बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये है आपको मेरा टिप्स एक बिरयानी मसाला बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 इंच जितना दालचीनी, जो मैंने आपको बिरयानी मसाला बताया था वही मसाले सब आपको हल्का सा भून लेना है आपको। 3 से 4 मैंने लौंग लिया था और 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें सौंफ लिया था। 4 से 5 आपको लेना है तेज़पत्ता। बस इतना ही गरम मसाला लगेगा इसमें और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स बिरयानी में। तो आप इसे ज़रूर प्लीज़ घर में ट्राई कीजिए। 100% हिट रेसिपी है। काफ़ी सालों से मैं बना रही हूँ बिरयानी। देखिए मैंने आंच से हटा लिया है और आपको निकाल लेना है एक दूसरे प्लेट में। देखिए आप, कलर चेंज नहीं हुआ है इसका। हल्का सा आपको इसे रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है। और इसे हम कूट लेते हैं मोटर पेसल में। देखिए आपको इस तरह से हम इसलिए गरम कर रहे हैं गरम मसाले को, इसके लिए हम लोग ने रोस्ट किया है, जिससे कि हमें पीसने में आसानी हो। तो काफ़ी क्रिस्पी बन जाता है तेज़पत्ता वगैरह और काफ़ी आसानी से कूट जाता है। देखिए फाइन पाउडर मैंने आपके सामने ही फाइन पाउडर इसे बना लिया है। देखिए इस तरह से आप भी पाउडर बना लीजिए। ये 1 टेबल स्पून जितना पाउडर बन गया है इसमें। दूसरी तरफ मैंने सैफरन भिगो दिया है थोड़े से दूध में, जो हम बाद में बिरयानी में यूज़ करते हैं लेयरिंग के समय। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुका है और चिकन काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। और जब आखिर में हमको डालना है, 20 मिनट के बाद पकने के बाद आपको गरम मसाला ऐड करके सिर्फ 1 मिनट तक इसे ढककर पकाना है। ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी लास्ट में आपको गरम मसाला ऐड करना है। और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसका टेस्ट और इसका जो खुशबू है वो एकदम ही चेंज हो जाएगा।
देखिए एक मिनट, सिर्फ एक मिनट आपको इसको और पकाना है। एक मिनट के बाद आपको मैं बता देती हूँ कि इसको दम पे कैसे रखना है। तो दम पे करने के लिए मैं इसको एक कढ़ाई ले लिया है मैंने, हैवी बॉटम कढ़ाई, और उसमें आप हैवी बॉटम कुछ भी बड़ा सा बर्तन भी ले सकते हो। आपको ग्रेवी डालना है फर्स्ट और फिर चावल डालना है उसके ऊपर। देखिए काफ़ी खिला खिला चावल हो गया हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए कुकर में बिरयानी राइस। देखिए इस तरह से आपको लेयरिंग करना है बिरयानी की। ये मैं दम में रखने के लिए लेयरिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आपको डालना है इसके बाद में ऑनियन। और कटा हुआ पुदीना, पुदीना और धनिया के पत्ते। इसी तरह से आपको जितने आपके बर्तन में बैठे उतने आपको लेयरिंग करते जाना है। 3 से 4 लेयरिंग मैं अभी इसमें करने वाली हूँ। पहले आप ग्रेवी डालिए, फिर चावल, फिर उसके ऊपर फ्राई किया हुआ ऑनियन और पुदीने के पत्ते, फिर आपको ग्रेवी डालना है। इस तरह से आपको लेयरिंग करते जाना है। जब भी आप बासमती राइस लो, अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लीजिए, और पुरानी बासमती राइस लीजिए। बिरयानी वाली राइस पुरानी होती है। आप पुरानी राइस नहीं लोगे तो आपका जो ये चावल है वो चिपचिपा बन जाएगा और पूरा टेस्ट चला जाएगा आपके चिकन बिरयानी की। तो आप ध्यान दीजिए राइस लाते वक्त। देखिए इस तरह से आपको लेयर बनाते जाना है। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये जो रेसिपी है वो एकदम हिट रेसिपी है, 100% श्योर बढ़िया ही बनेगा ये रेसिपी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने जो है चिकन टिक्का विदाउट ग्रिल उसका भी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और बाकी भी सब जो मेरी रेसिपी है उसका लिंक मैंने दे रखा है। आप उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी डिलीशियस बना था फ्रेंड्स चिकन टिक्का, तो आप उसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इस तरह से मैंने 3 से 4 लेयर बना लिया है। और लास्ट में आपको जो मैंने सैफरन भिगाया हुआ था दूध में उसे मिक्स करके इसके ऊपर आप डाल दीजिए। सैफरन से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में। और लास्ट में कटे हुए ऑनियन और स्लाइस किया हुआ ऑनियन फ्राई किया हुआ और जो चॉप किया हुआ हम लोग ने धनिया और पुदीने है उसे भी आप लास्ट डाल लीजिए। और इसे फॉइल से कवर कर लीजिए, फॉइल पेपर से। आटे से भी आप कवर कर सकते हो फ्रेंड्स, और फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हो। फॉइल पेपर से कवर करके इसको लिड जो है वो एकदम टाइट लगा दीजिए। देखिए इस तरह से आपको लिड को टाइट लगाना है जिससे कि जो स्टीम है वो अंदर ही कवर हो जाए, इसलिए हम इस तरह से इसे कवर कर रहे हैं फॉइल से। अब साइड्स में जो आटे का आटा है चपाती का, चपाती बनाने के टाइम जो हम आटा यूज़ करते हैं उसे राउंड लगा के उससे भी लिड आप बंद कर सकते हो। या तो ये इजी वे है, वो तो काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ता है कि आटा बनाओ देन उसको लगाओ, तो ये खाली क्विक एकदम वे है दम लगाने का। फर्स्ट आप फास्ट एकदम फ्लेम में, फास्ट फ्लेम में रखना है आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखिए इस तरह से आपको फास्ट रखना है फ्लेम। एक ही मिनट आपको फास्ट रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इस तरह से देखिए पैन ले लीजिए
और पैन के ऊपर इसे रखना है और इसको मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक आपको दम देना है। इसको दम पे रखना है। जो फ्लेम है इसमें उसमें ध्यान दीजिए आप, या तो स्लो टू मीडियम फ्लेम में आपको इसको दम देना है 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद आप देखिए कितना खिला खिला बिरयानी बना है, चिकन बिरयानी, और काफ़ी एकदम खुशबू फैल गया है किचन में, एकदम डिलीशियस बना है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर। देखिए आप, कुकर में मैंने राइस बनाया है फिर भी कितना खिला खिला हुआ है। आपको जब भी कुकर में आप बना रहे हो राइस, एक ही सीटी, एक ही विसिल तक आपको इसको पकाना है, क्योंकि हम लोग जब दम पे इसे पकाते हैं तो वो पूरी तरह से पक जाता है। तो ये ट्रिक्स जो है मैंने बताया आपको, ये ट्रिक्स टिप्स सब फॉलो कीजिए और घर पर बनाइए। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई किया हुआ है या नहीं। और गार्निशिंग कर लीजिए थोड़े पुदीने के और पत्ते और फ्राइड ऑनियन से, इसे गार्निशिंग कर लीजिए, और लेमन वेजेस के साथ इसे सर्व कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं लेमन वेजेस रख रही हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स। बाकी सब जो मेरी रेसिपी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।